M10 में तीन क्वालिटीज़ आ रही होती हैं जो कि आपको कभी नहीं बताएगा कोई भी। ये वाली जो है ये फर्स्ट कॉपी है, ठीक है, आपको सेकंड कॉपी मिलती है एंड ओरिजिनल मिलते हैं। समझ में ही नहीं आता, सीरियस बता रहा हूँ यार, नहीं समझ में आता है कि ये कॉपी कौन सी वाली है, कितने नंबर वाली कॉपी आ रही है। आपको तभी पता चलेगा जब अब इसकी साउंड सुनोगे, आपको तभी पता चलेगा जब इसकी बैटरी टाइमिंग आप देखोगे। आपको पता ही है पाकिस्तानी मार्केट कैसे जा रही है और भरोसे के लायक भी है, तो इसलिए मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। अनबॉक्स तो सभी करते हैं लेकिन आपको इंटरनल डिटेल कोई भी नहीं बताता। जैसा कि आपने थंबनेल पे तो ऑलरेडी देख लिया होगा कि आज हम लोग M10 की अनबॉक्स करने वाले हैं, और साथ में ही कुछ इन डिटेल्ड कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई किसी ने पहले बताई होंगी भी। तो मेरा मकसद भी यही है कि यार आपको जो भी अनबॉक्स करूँ चीज़ उसकी पहले से आपको डिटेल्ड, वो डिटेल जो कि पहले से किसी ने ना बताई हो मैं आपको वो बताऊँ। तो सबसे पहले हम इसको, यार मेरा जो छोटा वाला चाकू है वो कहीं खो चुका है, तो जिसकी वजह से अब यार ब्लेड से मुझे यार अनबॉक्स करना पड़ रहा है, यार क्या करें, मजबूरी है। तो सबसे पहले तो हम इसकी लुक देख लेते हैं कि सबसे पहले सामने यहाँ पे M10 है जो जिससे मैं लेकर आया हूँ, यार उसका प्राइस टैग भी है काफ़ी मुनासिब रेट में, यार वो अपनी प्रोडक्ट सेल आउट करता है। तो खैर लिंक वगैरह और नंबर उसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आपने बाय करनी हो तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो M10 का ये ऊपर यहाँ पे लोगो है, साथ में न्यूएस्ट डिज़ाइन बना हुआ है, V5.1 BT वायरलेस, एंड साइड पर अगर हम देखें तो इसका कुछ डिज़ाइन बना हुआ है, और इस साइड पे देखें तो कुछ साइंस वगैरह। यार मैं तब जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि हमने अंदर प्रोडक्ट में मज़ीद डिस्कशन करनी है। बैक साइड पे अगर देखा तो फिर से दोबारा हमारा M10 आ रहा है और वायरलेस वेरियन है V5.1, वायरलेस प्रोफाइल्स है कुछ यार लिखा हुआ है, कुछ समझ नहीं है क्या लिखा हुआ है। ट्रांसमिशन डिस्टेंस है 10 मीटर एंड चार्जिंग टाइम है अबाउट 2 आवर्स, स्टैंड बाई टाइम 280 आवर्स यार, और म्यूज़िक प्ले अबाउट 5 आवर्स एंड आउटपुट जो है 5 वोल्ट 1 एम्पीयर। सबसे पहले डिस्क्लेमर तो आपको मैं ये देना चाहूँगा चार्जिंग का, कि आप अगर चार्जिंग इसको लगाते हैं तो यार 2.4 एम्पीयर वाले चार्जर से ही इसको चार्ज करें, से ज़्यादा चार्ज ना करें। लाइक 12 वोल्ट आ रहा है, 85 भी आ रहा है, 65 भी आ रहा है, उन चार्जर से आपने इसको चार्ज नहीं करना, नहीं तो इसकी बैटरी ख़राब हो जाएगी, फूल जाएगी, जिसकी वजह से ये टाइम नहीं करेगा। और इसको 2 घंटे से ज़्यादा भी चार्ज नहीं करना, उससे भी ये होगा कि आपका जो बर्ड है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ से ओपन करते हैं, जहाँ से मर्ज़ी ओपन कर लो। तो इसको हमने यहाँ से कर लिया ओपन। सबसे पहले तो इसका डेटा केबल आ रही है और साथ में हमें हमारे बर्ड्स गिवन दिए गए हैं, इसको हम साइड पर यहाँ पर करते हैं। और डेटा केबल हमें नॉर्मल 8600 वाली दी जाती है, 8600 जिसको हम कहते हैं। और ये हमारा कुछ फर्स्ट लुक है हमारे एयरबर्ड का, तो ये हमारा बर्ड एंड साथ में इसके इसके छोटे वाले बर्ड्स आ रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। यहाँ पे अगर सबसे पहले इसकी लुक की बात करें तो यहाँ पर ओपन का कुछ बटन दिया गया जो कि USB एंड साथ में हमें चार्जिंग का दिया। आई थिंक सो इससे आप मोबाइल वगैरह भी कुछ चार्ज कर सकते हो, दैट्स द रीज़न कि आपको यहाँ पे USB का भी ऑप्शन दिया गया, USB दी गई है और साथ में आपको चार्जिंग जो कि आम 8600 है वो दी गई है। और बात करें इसकी क्वालिटी की, फिनिशिंग की, तो यार बिल्कुल नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा शशके वाली नहीं है इसमें। आई थिंक सो जितने भी मैंने पीसेस देखे हैं वो आपको इसी तरह मिलते हैं, लाइक नीचे मैट ब्लैक है और ऊपर शाइनी ब्लैक है। तो इसको हम यहाँ से उतारते हैं, तो जैसे कि उतार के भी हम देखें ऊपर शाइनी ब्लैक या नीचे मैट ब्लैक, उसको हम यहाँ से सिंपल इज़ दैट ओपन करते हैं। खैर यहाँ से मैं गलत कर रहा था यार, आप भी ध्यान से करना। तो ये हमारे बर्ड जो है ये वाला शुरू हो गया, और ये हमारा जो साथ में हमारे जो बर्ड्स हैं वो चार्ज हो रहे हैं, और काफ़ी अच्छा यार एक तरह का समझो कि लुक दे रहे हैं। जब बॉक्स बंद भी हो रहा है तो यहाँ के बर्ड जो हैं वो ऑप्शन दे रहे हैं, 99% हैं इसमें चार्जिंग जो है 99%, और बर्ड की पता नहीं कितनी चार्जिंग है।
तो यहाँ पे हम जैसे इसको निकालते हैं तो ये ब्लूटूथ से निकल आता है, जैसे मतलब कि ब्लू एंड रेड लाइट है, जबकि यहाँ पर जब चार्जिंग हो रही होती है तो जस्ट रेड लाइट यहाँ पर आ रही होती है, और 97 यहाँ पे परसेंट 99% है और 97 हो गई अभी। मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में पता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये कितने की मिल रही है, कहाँ से मिल रही है, लेकिन आपको मैं कुछ इस तरह की कुछ चीज़ें बताऊँगा जो कि मार्केट में आपको एक सेलर भी नहीं बताता ना ऑनलाइन में आपको बताते हैं। बेसिकली इस M10 में तीन क्वालिटीज़ आ रही होती हैं जो कि आपको कभी नहीं बताएगा कोई भी। ये वाली जो है ये फर्स्ट कॉपी है, ठीक है, आपको सेकंड कॉपी मिलती है एंड ओरिजिनल मिलते हैं। ओरिजिनल जो है ऑलमोस्ट आपको 2K+ ही मिलते हैं, तो यार ओरिजिनल तो खैर यहाँ पर आते ही नहीं हैं, बहुत कम आते हैं, तो फर्स्ट कॉपी और सेकंड कॉपी चलती है यहाँ पर। जो फर्स्ट कॉपी है वो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर 1500 to 1400 के आसपास मिलती है, जो सेकंड कॉपी है वो आपको 1100 की मिलती है, 1150 की भी मिलती है, इतने के भी आपको ईजिली मार्केट से मिल जाती है। तो ये वाली जो है, ठीक है, ये इस फर्स्ट कॉपी मैक्सिमम पाकिस्तान में यार कॉपियाँ ही सेल होती हैं, ठीक है, ओरिजिनल का तो आप तसव्वुर भी ना करें कि ओरिजिनल प्रोडक्ट आपको पाकिस्तान से मिल सकती है। खैर जो कॉपीज़ होती हैं ये भी काफ़ी यार एक तरह से समझो अच्छी हैं। अभी ये बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रहा है, क्यों, क्योंकि काफ़ी वक्त से आई थिंक सो ये बॉक्स में रहा होगा और जैसे ही हमने इसको लगाया तो ये बैटरी जल्दी जल्दी ड्रेन करे, ये वाली बैटरी ड्रेन करेगा, हम जब नेक्स्ट अपनी यहाँ से चार्ज करेंगे और तब ये बिल्कुल अपने रेगुलर उस पर चीज़ पे आ जाएगा। तो आपने परेशान नहीं होना अगर आप भी कोई बर्ड या कुछ इस तरह नया लेते हैं ना, अगर वो यहाँ पर बैटरी उसकी जल्दी जल्दी ड्रेन करें, मतलब कि एक बार ड्रेन हो गई दोबारा आप इसको चार्ज करेंगे 2 घंटे उसके बाद ही अपनी लेवल पर आ जाएगा। तो यहाँ पर बी लाउड एंड बी प्राउड लिखा हुआ और यार अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा यार, एक तरह के समझो कि बर्ड जो है वो आपको साउंड दे रहा है। इसकी साउंड की अगर मैं बात करूँ, तगड़ा साउंड है यार इसका, तगड़ी बेस है। मैं यहाँ पे अभी लगा के तो खैर आपको लगाऊंगी भी तो आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन मैं इसको यूज़ कर चुका हूँ ऑलरेडी, इसलिए आपको साउंड के लिहाज से भी काफ़ी तगड़ा एक देखने को मिलेगा। दूसरी एक और चीज़ इसकी ये है कि इसका जो भी वाला बर्ड है ना, ये एक तो छोटा है जो कि बिल्कुल आपके कान में सबसे फिक्स हो जाता है लाइक दैट, ठीक है, बिल्कुल ऐसे आपकी कानों में फिक्स हो जाता है और आपका ये जो बर्ड है ये गिरेगा भी नहीं। एक तो होते हैं वो जो बड़े वाले होते हैं वो आपके कानों से जो वो गिर जाते हैं, लेकिन ये वाले जो हैं ये आपको नहीं गिरने वाले। आपने इस चीज़ से यार नहीं घबराना कि सेकंड कॉपी है फर्स्ट कॉपी है, जो है समझ में ही नहीं आता, सीरियस बता रहा हूँ यार, नहीं समझ में आता कि ये कॉपी कौन सी वाली है, कितने नंबर वाली कॉपी आ रही है। आपको तभी पता चलेगा जब आप इसकी साउंड सुनोगे, आपको तभी पता चलेगा जब इसकी बैटरी टाइमिंग आप देखोगे। तो साउंड में ऑलमोस्ट दोनों एक जैसे ही हैं और बैटरी टाइमिंग में इनमें थोड़ा सो जो है वो डिफरेंस आ जाता है, किस तरह से कि इस तरह से अगर इसकी बैटरी टाइमिंग जहाँ पे जैसे मेंशन है 5 hours म्यूज़िक प्ले इसकी, तो ऑलमोस्ट वो 4 to 5 hours ही होनी है, जबकि सेकंड कॉपी की अगर बात करें तो सेकंड कॉपी में आपको आधा मार के 2 घंटे होने वाला है या 3 घंटे चला जाएगा हद मार के, ठीक है। इस तरह से आपको पता चलेगा कि आपने कौन सी वाली कॉपी की है। मार्केट में तो जो है यार सब ये चलाते हैं, आपको पता ही है पाकिस्तानी मार्केट कैसी जा रही है और भरोसे के लायक भी है तो इसलिए मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। तो अगर तो आपने बाय करने हैं, ठीक है, मैं आपको ये फर्स्ट कॉपी का बता रहा हूँ, ओरिजिनल पाकिस्तान में सवाल पैदा नहीं होता कि ओरिजिनल मिले आपको। अगर तो आपने ये बाय करना है फर्स्ट कॉपी में तो पाकिस्तान में तो ऑलरेडी सारी चलती फर्स्ट कॉपी है यार, आपको ये मिल जाएगा 1350 rupees का, मतलब 1350 rupees में। तो खैर मेरी जो इस सेलर से डील हुई है यार, उसकी प्रोडक्ट्स काफ़ी मुनासिब रेट पे वो सेल करो, और जो बेच रहा है वो पहले बताएगा कि यार ये वाला है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये फर्स्ट कॉपी है, ये जो भी है वो पहले बताएगा फिर आपको बेचेगा। इसलिए मैं भी आपको ये पहले बता रहा हूँ कि यार फर्स्ट कॉपी होती हैं, ठीक है, ये ओरिजिनल प्रोडक्ट जो होती है वो 2500 से ऊपर होती हैं, शायद आती भी नहीं है पाकिस्तान में, खैर मेड इन चाइना ही होती हैं सारी, लेकिन ये कि अच्छी क्वालिटी की पाकिस्तान में आपको पता है कस्टमर जो होते हैं यार ख़रीदते भी नहीं हैं, दूसरा जो सेलर्स होते हैं उन्हें भी प्रॉफिट चाहिए होता है, वो इसलिए सस्ता प्रोडक्ट उठाते हैं और मार्केट में ले जाते हैं। ये आज हमारी इन डिटेल्ड वीडियो थी, तो होप सो कि इसमें मैंने बहुत सी चीज़ें मैंशन कर दी होंगी। तो अगर फिर भी कुछ रह गया और आपने अगर कुछ पूछना है तो यार सिंपल मैं हाज़िर हूँ, आप मुझे कमेंट पे पूछ सकते हैं और इंस्टा पे DM भी कर सकते हैं, वहाँ भी आपको मैं रिप्लाई कर दूँगा। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। मैंने बहुत सी चीज़ें मैंशन कर दी होंगी, तो अगर फिर भी कुछ रह गया और आपने अगर कुछ पूछना है तो यार
सिंपल, मैं हाज़िर हूँ, आप मुझे कमेंट भी पूछ सकते हैं और इंस्टा पे DM भी कर सकते हैं, वहाँ भी आपको मैं रिप्लाई कर दूँगा। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।